जय माँ लक्ष्मी। घर में सिर्फ 5 रुपए में ही भगवान को प्रसन्न करने के और घर सदा धन से भरा रहे, इसके उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला उपाय है, किसी भी मिट्टी के बर्तन जैसे घड़ा, सुराही या छोटा ग्लास ही लें, उसमें जल भरकर घर के उत्तर की दिशा में रखें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और देवताओं का वास उस घर में होने लगता है। सदा घर धन से भरा रहता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति घर में अवश्य लाएं और उसे उत्तर पूर्व की दिशा यानी ईशान कोण में स्थापित करें और पूजा में पान और सुपारी का अवश्य प्रयोग करें, भगवान को चढ़ाएं। इससे माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं और आपके घर पर सदा माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है और धन की कमी उस घर में नहीं होती है। अगर घर में चांदी एवं पीतल के माँ लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा है तो धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश की जो प्रतिमा है उसे गंगा जल या दूध से अवश्य स्नान करवाना चाहिए और उसके बाद वस्त्र आदि चढ़ाकर उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और गणेश का कृपा घर में हमेशा बना रहता है और माँ लक्ष्मी हमेशा सदा घर में वास करती है और आपके घर हमेशा धन का आगमन बना रहेगा। चौथा उपाय है, धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदें। झाड़ू घर में लाएं, इससे निगेटिव ऊर्जा घर की समाप्त होती है। लेकिन ध्यान रहे, झाड़ू खरीद कर लाएं तो उसे किसी को ना दें। झाड़ू में थोड़ा सा पूजा करें और उसके बाद झाड़ू का प्रयोग करें और सदा घर में झाड़ू को छुपा के किसी अन्य जगह पर रख दें। पांचवा उपाय है, धनतेरस के दिन घर में मिट्टी के दीप में तेल या घी जलाकर उसे जलाएं और इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सदा धन का प्रवाह बना रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। जय माँ लक्ष्मी। सदा आप लोगों पर माँ लक्ष्मी कृपा बने रहे और आपसे आग्रह है कि आउटलाइन शास्त्र को आप अवश्य लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।